राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विवेक तन्खा ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विनोद गोटिया को हरा दिया है। विवेक तन्खा को कुल 62 मत मिले, जबकि विनोद गोटिया को मात्र 50 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी के दो अन्य उम्मीदवार अनिल दवे और एमजी अकबर भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। अनिल दवे और एमजी अकबर को 58-58 वोट मिले। 2018 का बच चुका है, अब चीजें बदलेंगी नहीं, अब किसी रफ्तार किसी स्पीड से कांग्रेस। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच खेला जा सकता है। आईसीसी ने बीसीसीआई को सहमति दे दी है। डे नाइट टेस्ट की मेजबानी के लिए इंदौर की दावेदारी सबसे मजबूत है। इस पर अंतिम फैसला जून के अंत में होगा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिस तरह धृतराष्ट्र के पुत्र मोह में कुरुवंश का सर्वनाश हुआ, उसी तरह सोनिया गांधी का पुत्र मोह कांग्रेस को सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। प्रदेश की सभी अदालतों को हाईटेक करने की तैयारी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने तीनों खंडपीठों, जिला अदालत और तहसील अदालतों को लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए केंद्रीयकृत करने और कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने में 6 महीने का वक्त लगेगा। मध्य प्रदेश इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दुनिया के 5 प्रमुख देशों का यह ब्रिक्स सम्मेलन इस बार खजुराहो में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शिरकत करेंगे। नेपाल नगर से बीजेपी के विधायक राजेंद्र दादू का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वे 54 साल के थे। दादू बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने भोपाल आ रहे थे। इसी बीच सीहोर के पास उनकी कार हादसे में मौत हो गई। सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में 5 नए रिसोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन में शुरू हुए सेमिनार में सीआईआई के मालवा अंचल परिषद अध्यक्ष राजेंद्र जोशी ने ये ऐलान किया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इंदौर के सराफा व्यापारी राजेंद्र कटारिया की पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सोनू सरगड़े है। पूछताछ में सोनू ने पुलिस को बताया कि लूट के इरादे से उसने राजकुमारी कटारिया की हत्या की थी। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया है। शुक्रवार को पहले जुमा की नमाज अदा की गई। प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग पहले जुमे की नमाज में शामिल हुए। जबलपुर में एक महिला ने ऑटो चालक की चप्पल से पिटाई कर दी। मामला ऑटो चालक की किराए को लेकर मनमानी का बताया जा रहा है। वहीं महिला ने बताया कि ऑटो चालक ने दोबारा किराया मांगा, साथ ही एक अन्य युवक को अपने साथ बिठा लिया। महिला ने सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो रोकने को कहा, लेकिन चालक नहीं माना। ऑटो रोकने पर महिला ने चालक पर हमला बोल दिया, जिसके बाद चालक वहां से भाग निकला।